हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 12वीं का विषय समाजशास्त्र का, जिसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप लोग सामने। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। ठीक, तो आप लोग सामने कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर आ चुका है, जिसको जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, जो आपके सितंबर माह में हो रहा पेपर, उसी का संपूर्ण सोल्यूशन शायद मैं लेकर चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर कुल क्वेश्चन रहेंगे 23, यानी कुल प्रश्न 23 नंबर दिए गए, 23 नंबर मतलब 23 क्वेश्चन रहेंगे। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे, पूर्ण आपका 80 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 12वीं समाजशास्त्र देख सकते हो 23-24। ठीक, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। चलिए, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प। तो सही विकल्प किस प्रकार से करना है वो मैं आपको सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए प्रेम सहित, अच्छे से आपको उसको समझना है। ठीक, क्योंकि ये समाजशास्त्र का पेपर है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझें। तो पहला लिखा आप लोग सामने, जनसंख्या वृद्धि दर का तात्पर्य है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है तो उसका क्या तात्पर्य है। तो आप लोग इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा लिखा, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थितिकरण का बुनियादी आधार क्या होता है, क्या क्या रहा है। तो इसका दूसरा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, जाते। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला तीसरा, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने वाली संस्था का नाम है, तो क्या है इसका नाम। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का संविधान। ठीक, अगला आप लोग सामने है चौथा, जिसमें लिखा है, उदारीकरण के प्रभाव से भारत में विदेशी कंपनियों ने किस तरह की खेती को प्रोत्साहन किया है। तो कह रहा है संविदा खेती प्रति, बी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। पाँचवा लिखा है, बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तो पाँच में जाए ए उद्योग, मतलब कि उद्योग मालिक को। ठीक, चलिए अगला है छठवा, दी इंडियन वुमेन्स मूवमेंट कोई लेखिका है, तो कौन इसके लेखिका। तो इसके हो जाएंगे मैत्री चौधरी। ठीक, मैत्री चौधरी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प मैंने 7 नंबर के कंप्लीट करवा दिए हैं, 6 नंबर के, सॉरी 6 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने में आपने सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग सामने सही, सॉरी रिक्त स्थान भी पूछ दीजिए। चलिए, हम लोग रिक्त स्थान भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन जनसंख्या स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य था, तो इस वाले 2045। ठीक, इस वाले उसने दूसरे भारत और दक्षिण भारत के नातेदारी संग्रह अंतर को विस्तार स्पष्ट कीजिए, तो इसमें लोग आप लोग इरावती रिकार्वे, इरावती करवे, ये दूसरे वाले में आएगा। तीसरा क्लास, इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है, एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूँ। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ लिखना होगा। ठीक है, चीज लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट देखेगी स्टडी नोट्स पीडीएफ .com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पे, देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना कि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर और सभी पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। देखिए, कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट भी मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ दी गई है। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डाल हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पर दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों, यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। खालिस्तान हेतु संसदीय राज्य विधानसभा स्थान करने जागरूकता होनी चाहिए, इलाहाबाद में जागरूकता होनी चाहिए। तो तीसरे का आंसर लिखोगे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण लिख दिया, करण तो लिख लेंगे, छोटा का छोटा बहुत ही सहल है। चलिए अगला है चौथा, जिसमें नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो पारिवारिक पर से परे होते हैं। तो चौथे का लिखोगे निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। पांचवा, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन कितने में हुई थी, तो इसमें लोगों 1963। कौन वाले, पांच वाले में। छठ वाले का सामने, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए करनी होती है, तो क्या करनी पड़ती है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर इसमें करने में स्पर्धा, स्पर्धा हो जाएगा।
अगला भी सामने हुआ है 17वां, जिसमें लिखा है नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम क्या था, तो लोग मेघा, मेधा था उसका, मेधा पाटेकर, पाटेकर। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने 1 से 3 भी कम्प्लीट करा दिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ। सही जुड़ियाँ करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स यही फायदा रहेगा कि अभी आपकी 3री मासिक परीक्षा चल रही है, इसी प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मैं इसी प्रकार से प्रश्न पत्र लाता रहूँगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा ताकि आप लोगों के 6 नंबर आए। तो आप लोग कोई टेंशन नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चले हम लोग मिलाएंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ भी आप लोग चाहो तो अच्छी तरह से मिला सकते हैं, बोलो सर आए। तो पहला है आपके सामने सामाजिक संस्था। तो सामाजिक संस्था क्या है, तो इसमें हो जाएगा विवाह, समान वेतन अधिनियम। तो दूसरा हो जाएगा 1979। डीपी मुखर्जी, तो डीपी मुखर्जी का मिला हुआ आप लोग नव माध्यम, डीपी मुखर्जी नव माध्यम बराबर। उदारीकरण, चौथे का मिला हुआ उदारीकरण का मिला हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में वृद्धि। गोरा देवी, तो 5वां, तो गोरा देवी के मिला हुआ आप लोग किससे, चिपको आंदोलन से। नक्सली आंदोलन का मिला हुआ पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, जो आपके 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर देना है। तो जब पहले लिखा आप लोग सामने प्रति 1000 पुरुषों का पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है लिंगानुपात, लिंगानुपात। तरबूज का बना। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगा जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है, तो अंतर्विवाह, अंतर्विवाह ठीक ये है दूसरा वाला आंसर। तीसरा लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 मार्च को ठीक, प्रति 8 मार्च को। चौथा लिखा आपके सामने केंद्रीय बल्ड बोर्ड कर किस समुदाय से तो के लिए किया गया था, तो आप लोगों के मुस्लिम समुदाय के लिए, किसको, मुस्लिम समुदाय, इस प्रकार से लिखना है। फिर प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो इसमें हो जाएगा एम एन श्रीनिवास, ये हो गया। चलिए 6वां देखते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग क्या थे, तो लिखोगे रुई, तो रुई, जूट, कोयला आदि कर लेना ठीक। 7वां देखते हैं, पिछले वर्गों के उत्पादन के लिए श्री नारायण धर्म परिपाल आंदोलन भारत के राज्य में हुआ, तो केरल में हुआ था, केरल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द वाक्य आंसर कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने 6 नंबर 7, तो इन्हें भी कहते हैं। तो पहले लिखा जेब की दृष्टि से पुरुष की स्त्री अनुमान है आसमान है 7। ग्रामीण समाज में कृषि भूमि ग्रामीणों की संपत्ति और आजीविका का मुख्य आधार है, तो ये भी 7। तीसरा है आहिर जाट गुजर राजपूत प्रभु जाति के प्रमुख कृषक भाग हैं, तो ये आपका 7। 14 महिला देख बाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए आधुनिक उपयुक्त नहीं है, तो ये भी आपका 14 वाला हो जाएगा 7। 5 कम काम की बुरी दशाएँ हड़ताल को जन्म दे दी हैं, तो ये भी आपका 7। झारखंड आंदोलन का संचालन भारत के भील जनजाति के द्वारा किया गया, तो ये भी आपका 7। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 कम्प्लीट करवा दिए मैंने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लगा जानकी की गलत पद समझाइए। अगर मैं मुझे बोलूँ जानकी के बाय विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आधार पर, तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं अभी हल में, क्योंकि इसके आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूँ, पूरा PDF दे दूंगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए ठीक। तो आप लोग देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको पढ़ के जाना, तो आप लोग भी कहोगे सर आपने जो बताया वही फंसे हैं ठीक। तो इस प्रकार देख सकते हो पूरा 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सर मैंने 23 क्वेश्चन कम्प्लीट बता दिए हैं, साथ ही मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब देखिए इन सभी आंसर को मैंने
पीडीएफ बनाई है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका आंसर का वीडियो भी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।